तो वसीम तूने देखा सीसीटीवी कैमरे में? हमारा एग्जॉस्ट यहाँ पे बाहर हम हमारी बाइक खोल रहे थे एंड एग्जॉस्ट को ले गया मेरा लाउड वाला एग्जॉस्ट, तो यहाँ पे दो तीन बंगर वाले वहाँ पे जाएंगे एंड एग्जॉस्ट लेके आएंगे। अभी ये बंगर वाले के पास आए थे, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे बहुत सारे बंगर वाले दो तीन है तो वहाँ पे देखेंगे। एग्जॉस्ट आई है यार, वो एग्जॉस्ट मस्त था, आवाज ना बहुत मस्त कर रहा था। तो काका सोया हुआ है यार, बता नहीं रहा कि कहाँ पे दिया है, मुझे लगता है अभी भी उसने पैक लगा के रखा है। ये पेंट ही आता है, कोटिंग नहीं आता, पेंट ही आता है, पेंट ऊपर अपने काम करना है। ऐसा चीज बनानी है, सुनने जैसी चीज बनानी है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। तो कल जो संडे राइड की थी, राइड तो नहीं थी, संडे था तो घूमने के लिए अहमदाबाद गए थे। उसके बाद अपन गए थे रिवर फ्रंट पे, वहाँ पे क्या हुआ आपने देख ही लिया, बाइक की नंबर प्लेट नहीं थी तो आज तो लगानी है, कुछ भी हो आज लगाना है, मतलब प्रॉब्लम होता है, गलती थी हमारी क्योंकि हमने नंबर प्लेट नहीं लगाई थी, बार बार गिर रही थी इसके लिए निकाल दी थी। और एक बात की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुहल भाई की शॉप से हमने सब कुछ हमारा कैफ्रेसर का सामान ले लिया है मीनू भाई की शॉप पे, क्योंकि सुहल भाई के वहाँ पे बहुत सारी बाइक्स आती है एंड सुहल भाई अकेले टाइम नहीं मिल रहा, तो मीनू भाई ने एक्स्ट्रा दुकान ली है भाई, वहाँ पे अपन काम करने वाले। तो चलो मीनू भाई के शॉप पे सब सामान पहुँच चुका है, सैटरडे को हमने वहाँ पे पहुँचा दिया था, तो अभी मीनू भाई की शॉप पे जाएंगे एंड वहाँ पे काम स्टार्ट करना है। तो गाइस आप गलत मत समझना, सुहल भाई एंड मीनू भाई सब लोग भाई भाई ही है, अभी क्या है कि वो शॉप पे काम करेंगे और कुछ नहीं। तो चलो, और एक बात कि अपना जो एग्जॉस्ट था लाउड वाला जो वसीम के शॉप से गायब हो गया था, किसी ने चोरी कर लिया था, तो सुबह सुबह वसीम गया था सामने वाले वर्कशॉप पे, मतलब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा था, वो कैमरे में से देखा कि हाँ कोई बंदा आया था बोरी लेके, मतलब बैग लेके आया, वो बंदे ने एग्जॉस्ट बैग में डाल के चला गया, तो वो कहाँ पे गया वही ढूंढना है, एग्जॉस्ट लेके आना है। 12 बज चुके थे, लेट हो गया एंड उस्ताद जी यहाँ पे, उस्ताद जी गुड मॉर्निंग कैसे हो? तो अभी यहाँ पे काम स्टार्ट, मैं दिखाता हूँ कि अपना जो कैफ्रेसर है उसका ए टू जेड सामान यहाँ पे आ चुका है सामने वाले शॉप पे, जो नया लिया हुआ है। पहले वहाँ पे हॉस्पिटल था छोटा सा, वो बंद किया एंड उषा जी ने वहाँ पे, मतलब ज़्यादा गाड़ी होती है तो छोटा मोटा काम वहीं पे होता है एंड कलर का काम यहाँ पे होता है, वहाँ पे होता है फिटिंग का काम, बरबर ना, वहाँ फिटिंग कर दो ना, वहाँ पे फिटिंग का काम होता है, यहाँ पे होता है कलर काम एंड वहाँ पे सर्विस, टोटल 3 शॉप है, तो तीनों में काम चालू है। आज मीनू भाई नहीं आए, मीनू भाई को थोड़ा टाइफॉइड हो गया है तो कल से आएंगे दिल्ली। मैं आपको दिखाता हूँ कि आज क्या काम होने वाला है एंड अपना टैंक सब कुछ सामान देखो, देखो यहाँ पे अपना पूरा सामान कैफे रेसर का, उसका इंजन, उसका चैसिस, उसका टैंक। तो राजा भाई कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। इस पे लापी लेवल किया है उस्ताद ने, वो कब किया था? ये किया था सैटरडे को, सैटरडे को हम सामान लेके आए थे तभी रात को किया था, ये लापी लेवल सूख जाए इसके लिए जल्दी कर दिया था। मैं दिखाता हूँ आपको कि लापी लेवल कैसा किया था, तो ये वीडियो देखो। जो पहले हमने काम किया हुआ था ब्लैक कलर का एनसी कोटिंग, इसके ऊपर हमने लापी लेवल लिया, देखो ये होता है परफेक्ट लापी लेवल, यहाँ पे वेल्डिंग था, वेल्डिंग सब कुछ लेवल में आ चुका है, अभी इसके ऊपर होगा घिसा है वो बाद में, क्योंकि अभी टाइम देखो अभी 8 बजे हो गए। यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है राजा के नाम से। राजा क्या कर रहे हैं बोलो? आपको पता होगा R1M में हमारी जो किट थी फाइबर की, वो उसके सब पार्ट ये मशीन से ही घिसा था, मैंने भी घिसा था वही मशीन से। आप नहीं आया तब मैंने घिसा था। तो यहाँ पे देखो लापी लगा दिया, यहाँ पे लेवल नहीं है, देखो वेल्डिंग तो गायब ही होगा, जो वेल्डिंग था उसके ऊपर लापी लेवल कर दिया, अभी करेंगे अपन यहाँ पे मशीन से इसका फिनिशिंग लेंगे। देखो तो यहाँ पे थोड़े गड्ढे गड्ढे है, वो मशीन से लेवल आ जाएगा सब। देखो हमारा चिंपू, चिंपू बेटे कैसा है? चिंपू का शक्ल देख लो, आपने देखा होगा हमारे R1M प्रोजेक्ट में, इधर देख बेटे, बाकी चाल गलत अच्छे धड़ो दिखने वाला है हमारे वीडियो इतना बड़े करता है। क्या बात है, यहाँ पे राजा बेटे जो टैंक को फिनिशिंग लिया मशीन से, देखो अभी फिनिशिंग है, मतलब पहले से तो बेहतर है, अभी क्या करने वाले उसने? यही प्रोसेस उस्ताद दूसरी बार करेंगे, फिर से लापी लेवल, और फिर से ये होने के बाद फिर से एक बार घिसाई होगी, हाँ। उसके बाद वाटर से घिसाई होगी, हाँ। और उसके बाद एक बार लापी का फाइनल लेयर लगेगा, ऐसा हाँ, फिर उसके बाद एक बार घिसाई होगी,
और जो अपना अस्तर मारते हैं वाइट अस्तर वो लगेगा। हाँ। तो उसके बाद पेंट का अस्तर लगेगा। ओके। फाइनल पेंट होगा। मतलब कि अभी बहुत सारी प्रोसेस बाकी है इसमें, कम से कम 3 से 4 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी तभी हमारी टैंक होगी कम्प्लीट। एंड अभी अभी क्या काम करना है इसके बाद? अभी होगा दूसरा लेयर लाबी का ही, क्योंकि फिनिशिंग आई है तो उस्ताद बोल रहे कि इससे भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। फिनिशन क्यों गया उस्ताद? वहाँ पे लाबी लेने, यहाँ पर खड्डा है हल्का सा। उस्ताद हाथ लगा रहे वहीं से मालूम पड़ता है कि कहाँ पे गड्ढा है, और जहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो किया था उसको फिनिशिंग ले लिया लापी लेवल को, उसके ऊपर दूसरा लेयर। लापी लेवल कर दिया है तो अभी इसको सूखने में टाइम लगेगा उतना, आधा घंटा तो 30 मिनट में सूख जाएगा। उसके बाद फिर से इसके ऊपर मशीन से घिसेंगे, जैसा राजा भाई ने घिसा था वैसा वापस उसको घिसना पड़ेगा। उसके बाद जो होगी प्रोसेस आपको दिखाएंगे, एंड उसके बाद छोटी मोटी जो पैनल है उसको भी काम करेंगे, वो बाद में करेंगे। तो अभी पहले टैंक का परफेक्ट काम खत्म करना है, क्योंकि मेन चीज़ हमारी टैंक ही है, कैफरेशन में लुक आता है तो टैंक से। इसके लिए टैंक को करना पड़ेगा पहले कंप्लीट, टैंक को सूखने के लिए रख देंगे। तो अभी मैं जाऊँगा, आपको पता होगा कल मेरा एग्जॉस्ट गायब हो गया था, CCTV कैमरे में वसीम ने चेक किया, वो यहीं कहीं पे होगा बंगले वाले के पास, 2-3 शॉप है वहाँ पे जाएंगे एंड एग्जॉस्ट हमारा लेके आएंगे। तो वसीम तूने देखा CCTV कैमरे में? हाँ। हमारा एग्जॉस्ट यहाँ पे बाहर हम हमारी बाइक खोल रहे थे एंड एग्जॉस्ट को ले गया मेरा लाउड वाला एग्जॉस्ट। तो यहाँ पे 2-3 बंगर वाले वहाँ पे जाएंगे एंड एग्जॉस्ट लेके आएंगे, वहीं पे होगा ऐसा लग रहा है मुझे। अभी ये बंगर वाले के पास आए थे, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो दूसरे बहुत सारे बंगर वाले 2-3 और तो वहाँ पे देखेंगे। एग्जॉस्ट चाहिए यार, वो एग्जॉस्ट मस्त था, तारा आवाज़ ना बहुत मस्त कर रहा था, मिल जाएगा तो बैठते चलो। तो यहाँ पे भी आए बंगर वाले के पास, यहाँ पे भी नहीं है तो अभी और भी जगह पे जाएंगे। तीसरा बंगर वाला है यहाँ पे चेक करेंगे, उसी में यहाँ पे होगा। यहाँ पे सामान तो पड़ा है बहुत, यहाँ पे देखो कितना सारा भंगर पड़ा है, कहाँ पे मिलेगा यार हमारा सामान? यही है वसीम, पूछ तो। नीलू भाई। हाँ बोलो बोलो। मजा माँ? मजा माँ। अरे भाई बुला भाई। अरे हम कहो लोग कल तुम साइलेशन ले जाए क्या कर बेची है? क्या है? बोला ऐसा चला रहा करती बार है। तो काका सोया हुआ है यार, बता नहीं रहा कि कहाँ पे दिया है, मुझे लगता है अभी भी उसने पैक लगा के रखा है। तो यहाँ पे हमारा जो लापी लेवल लिया था वो काम फिर से स्टार्ट हो चुका है, अभी कर रहे उस्ताद एंड अपना जो एग्जॉस्ट भाई वो बंदा दिया हुआ था, बोल नहीं रहा कि कहाँ पे दिया हुआ है, मतलब लिया तो उसने ही एग्जॉस्ट, वो बंदे ने लिया हुआ है एग्जॉस्ट, वो बता नहीं रहा कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो क्यों बंदे चलो एग्जॉस्ट दिया तो गया, अभी अपना काम तो स्टार्ट करेंगे ना आगे। वही पहले मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे लेवल आ चुका था, अभी और एक बार लापी लगाया, इसी बार देखते हैं कि लेवल कैसे आता है। देखो कैसा लेवल आएगा मैं आपको दिखाऊंगा, फिनिशिंग कैसा आएगा। तीसरी बार लापी लेवल का काम चालू है, तो 3-3 बार लापी लगानी पड़ती है तभी उसका लेवल आता है, तो वही इतनी ही प्रोसेस तो लगती है तभी तो जो फिनिशिंग आता है। तो उस सब का यही मतलब है, उसका जो काम करते हैं वो देखो एकदम 0-0 काम करते, देखो वही देखो फिर आ रही ना जो वो फिलानी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सब एक ही है। अभी हाथ लगाओ, वेल्डिंग दिखेगा कि नहीं आपको कहाँ पे वेल्डिंग था? अब जब लाए थे तब यहाँ पर पूरे में बॉर्डर दिख रही है। हाँ बॉर्डर दिख रही थी वेल्डिंग के, वो इसके लिए तो लापी लेवल लेना पड़ता है तभी फिनिशिंग आती है। अभी आके देखो आप कितनी कितनी प्रोसेस कर रहे हैं टैंक बनाने के लिए। अब जाने वाला था ना घूमने? नहीं गए, क्या हुआ? मजाक मत उड़ा धोल भाई, और उस्ताद से मेरे को और बोलिया खिलाने तो खिला लो। नहीं आपको तबियत खराब है तो घर पे रहो। देखो लापी लेवल घिस रहे हैं तीसरी बार, तो उसने जो काम किया लापी लेवल का 3 बार लापी किया 3 बार घिसा, अभी अपन चेक करते कि फिनिशिंग कैसा है। तो ये हमारी टैंक, तो देखो यहाँ पे आप दिखाओ वेल्डिंग कहाँ पे था, वेल्डिंग था ही नहीं ऐसा समझो, पूरा गायब हो गया मीनू भाई, कम्प्लीटली गायब हो गया भाई, पूरा गायब। देखो यहाँ पे वेल्डिंग था गायब पूरा, ये लग रहा है कि एक ही लेयर है, सब एक ही लेयर में आके देखो एकदम फिनिशिंग कम्प्लीट। आप देखो दिख रहा है आपको? आपको काम कैसा लगा उस्ताद का? काम किस नंबर है उस्ताद का? काम तो एक नंबर ही होता है, एंड जैसे सोचा हुआ था वैसा फिनिशिंग तो आ चुका है। उसे अभी क्या होगा इसके ऊपर? अभी NC अस्तर लगेगा इसके ऊपर। तो देखो अभी उस्ताद बना रहे NC पेंट, वो एक कोटिंग जैसा आता है
आपको बना ले दो। ये पेंट ही आता है, कोटिंग नहीं आता, पेंट ही आता है, पेंट ऊपर अपने काम करना है। ऐसा चीज बनानी है, सुनने जैसी चीज बनानी है। देखेंगे चलो आप क्या कर रहे हो, देखते हैं। यहाँ पे एनसी लगना स्टार्ट हो चुका है, देखो आप। तो यहाँ पे देखो एनसी वाला पेंट लग चुका है, फाइनल पेंट तो नहीं है बट आप देख लो, टैंक पूरी अलग ही दिख रही है, देखो दिख रही है अभी। हाँ सिर्फ कवर है, देखो यहाँ पे वेल्डिंग था, वेल्डिंग गायब भी हो चुका है, पूरा लेवल आ चुका है। देखो टूटने के बाद तुम्हारा बोर्ड क्या है, जैसे लापी कहाँ चढ़ानी है, कहाँ नहीं चढ़ानी, सब मानो, यानी तुम लेवल ले सकते हो। हाँ हमने लेवल तो ले लिया था बट अभी और भी लेवल लेना पड़ेगा, ये सूखने के बाद पता चलेगा कहाँ 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 पे लेवल लेना हो सकते हो। तो हमारी टैंक देखो, टैंक बाहर रख दी सूखने के लिए, अभी काम होगा जो साड़ी की पैनल थी, साड़ी की पैनल में फिनिशिंग नहीं था, देखो उस साल हाथों से कर रहे, देखो यहाँ पे लेवल नहीं है, गड्ढे गड्ढे कवर कर रहे उस साल। तो यहाँ पे उसका गए बाहर बट अभी राजा को कुछ खुजली है खुद लगा रहे, नहीं लगा रहे, मजाक कर रहा है, लगा रहा है। देखो राजा भी खुद लापी लगा रहे हैं, बना रहे हैं, देखो लापी उस्ताद जैसा, मुझे तो नहीं पता लेकिन ट्राई तो करना पड़ेगा। काम नहीं, नहीं नहीं काम है यार, उसका काम है। आता आता है, राजा को आता है, उसका काम खाली बर्तन धोना है वो तो तेरा भी नहीं है ना। तो हमने साइड की पैनल को जो लापी लेवल किया था उसको राजा पे देखो फिनिशिंग ले रहे पेपर से एंड पानी से, स्पेंडर बैग का काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पुरानी पैनल है उसको पेंट किया हुआ है, ये लग रहा है, देखो लग रहा है ग्रे, तो ग्रे टाइप पे पीयू कोटिंग के बाद होगा पूरा ब्लैक। क्या उस सर कौन सी गाड़ी गाड़ी बना रहे हो आप, कौन से मॉडल बना रहे हो? 2004 मॉडल है, 2004 मॉडल को कन्वर्ट करके हमने 2021 का मॉडल बनाया, 2021 का मॉडल, ये ग्रे है, इसके ऊपर पीयू कोटिंग करते ही इसके ऊपर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारी टैंक बस अभी सूखी चुकी है, तो उस साल अभी टाइम पे क्या करेंगे, ये टैंक पर मारने का मायना ये होता है कि ऐसे मौसम में तेज वाला वातावरण, वो एनसी मारा हमने, वो एनसी मारा, इसलिए एनसी मारने का वजह ये है कि जल्दी उसकी कवर जल्दी हो जाता है, हाँ। जल्दी सूख जाता है। मैं आपको एक बात चाहता हूँ पूछना कि बारिश में होता है पेंट, होता है ना, क्यों नहीं होता, होता है बारिश में पेंट, सब लोग पेंटर हैं, सब पेंटर जो इस तरह बारिश की रात काम कैसे करेंगे, 4 महीना घर कैसे चलाएंगे, खाना कैसे खाएंगे, बारिश में भी पेंट होता है, होता है, क्यों होता है, मगर उसके लिए प्रोसेस होती है अलग, हाँ थियरी अलग होती है, पेंटर सब अलग अलग होते हैं, सब होता है। तो अभी इसके ऊपर जो एनसी लगाया, एनसी लगाया उसको घिसेंगे या उसको घिस डालेंगे, घिसने के बाद क्या करेंगे, घिसने के बाद डायरेक्ट इसके ऊपर सीधी पुट्टी लापी, लापी का काम फिर से लापी लेवल, टैंक हमको बनानी है कुछ और ही लेवल में, तो काम भी करना पड़ेगा और भी लेवल में, तो ऐसा कुछ है। तो अभी देखो यहाँ पे लापी लेवल का काम चालू हो चुका है, देखो एनसी पुट्टी से, तो ये 5वीं लेयर है। तो यहाँ पे टैंक का काम खत्म हो चुका है, अभी इसको रख देंगे सूखने के लिए, बारिश आए या कुछ भी हो अभी एनसी पुट्टी निकलने वाली है ना, तो बना अभी लगाया ना, हाँ अभी लगाया, देखो अभी एनसी पुट्टी लगाई है, देखो उस अंदर पानी भी लगाया, देखो पानी पूरा अलग हो रहा है, देखो देखो पूरा पानी अलग हो रहा है, एनसी पुट्टी उतनी देर में सूख भी गई, सही है सही है। तो टैंक का काम कम्प्लीट हो चुका है, टैंक को रख देंगे अंदर सूखने के लिए, मतलब कि कल सुबह ही इसको निकालेंगे बाहर, अभी दूसरा काम भी हमारा साइड का पैनल का। तो मैं आपको जो बता रहा था ये वाली साइड पैनल है हीरो की, तो ये देखो कुछ ग्रे कलर में है, एंड जो पी कोटिंग है वो है पूरा ट्रांसपेरेंट वाइट कलर का, तो ये लगाते ही पूरा ब्लैक हो जाएगा, देखना देखो ब्लैक ब्लैक लगा है ब्लैक, तो पूरा ब्लैक हो गया पूरा पैनल। तो अभी टाइम हुआ है 7:40, 8 बजने वाले हैं, एंड अब देखो आप हमारी टैंक जो सोचा हुआ था उससे भी कुछ अच्छी वाली टैंक बन चुकी है अपनी। तो ये पुट्टी वाली लापी की है, इसको घिसना बाकी है, सुबह काम स्टार्ट किया था एंड शाम तक 4 लेयर कंप्लीट कर दी, और चारों लेयर में तो टैंक दिखी गई कि ऐसी बन सकती है। उस्ताद जी कंप्लीट काम है, अभी क्या होगा कल काम,
खिसाई होगी हाँ। सरफेसर लगाना पड़ेगा। ओके सरफेसर लगा तो एक हाथ कलर का मार देंगे, कलर का फिर इसके ऊपर लापी टचिंग देख लेने का। ओके ओके अपने को दिल गवा करेगा फाइनल हाँ। फिर पेंट हाँ वो तो है, पर जो पेंट में जो हमको करना है ना वो कुछ और ही लेवल का काम है क्या राजा भाई। ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट वो तीनों कलर में बहुत मेहनत से जो यहाँ पे आएगी लाइन आएगी यहाँ पे व्हाइट कलर की। बस गाइस आज के लिए इतना ही था, अभी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मीनू भाई कल से काम स्टार्ट ना, कल से काम स्टार्ट। ओके।